यस बच्चे, अपा कल चैप्टर स्टार्ट किया हरियावल दे बीच और अपा रीडिंग करके आज वन मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। पर वो करन तो पहला अपा टॉपिक करते हैं ग्रामर का, जिमें कल अपा वाच बदलो किते सी, आज लिखो पहले फेयर नोटबुक से ग्रामर पार्ट वाक वटांदरा। ऑलरेडी तुसी प्रीवियस क्लासेस किया होया, हाँ तो ना, ना तो हाँ, साधारण तो संयुक्त। वाक वटांदरा का मतलब है वाकां नूं बदलना अर्थ बदले बिना, अर्थ बदले बिना। जिवें तुसी प्रीवियस क्लासेस हाँ तो ना, ना तो हाँ करते सी, सियाने बच्चे वड्डियां दा आदर करते हैं, सियाने बच्चे वड्डियां दा निरादर नहीं करते, कि सब्जेक्ट चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, वह भी विरोधी शब्द लग के। जिवें प्रेषणिक तो सरल बनाते सी तुहाडा की कारोबार है, अपना कारोबार दसो। पर हुण आपां करने हन तुहाडे सिलेबस विच सधारण तो संयुक्त, सधारण तो मिश्रत। करन तो पहला पहले वाक की समझ आनी चाहिए, वाक कहिंदे किन्नू ने, कौन दसेगा वाक की हुंदा है, वाक किसनू आखदे हन। प्रीवियस क्लास किया होया सैवंथ च और पीटी वन च भी किया होगा बेटे, यस। सार्थक शब्दों का इकट्ठ वाक है, सार्थक मतलब जिन्हों का कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्दों के इकट्ठ नूं वाक आखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल कौन देगा, यस बेटे, सार्थक शब्दों के इकट्ठ नूं वाक आखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे पाठ पढ़ते हैं, एक वाक। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल रोहित अते मोहित खेड़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, यह भी सेंटेंस उदाहरण है, यह भी सेंटेंस उदाहरण है, पर आपां तां इह वाक विच उदाहरण लई है, वाक की उदाहरण, वाक की उदाहरण च संयुक्त वाक की भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राहुल अमीर है पर कंजूस है, ये है संयुक्त वाक की एग्जाम्पल, पर अपा वाक नूं क्लीयर करन लई, ठीक है। हुण वाक तो बाद अपा की करनियां हन, किस्मां नूं समझोगे फिर तुहानूं वाक वटांदरा आएगा। किस्मां समझो, साधारण वाक नोट करो, संयुक्त वाक, मिश्रत वाक, तीन तरह के वाक होंदे ने, साधारण वाक। टेबल बना के कर लो, संयुक्त वाक, मिश्रत वाक। साधारण वाक में जिस विच केवल एक क्रिया होवे, जिस विच केवल एक ही क्रिया, एक ही क्रिया होवे। संयुक्त वाक जिस विच, जिस वाक विच एक तो वध, बोलो एक तो बाद क्रियावां होण ते उहनां नूं किहदे नाल जोड़िया जाए, समान योजकां नाल। एक तो बाद सुतंत्र वाक होण, एक तो बाद समान वाक होण, कोई भी वर्ड लिख लो, एक तो बाद साधारण वाक होण, एक तो बाद क्रियावां वाले वाक नूं जदों किहदे नाल जोड़दे हां, वाक नूं समान योजकां नाल जोड़िया जावे ता केड़ा वाक बनता बेटे, संयुक्त वाक, ठीक है। मिश्रत वाक, ओ वाक जिस विच एक प्रधान उपवाक होवे, बाकी दे अधीन उपवाक होन, ओ वाक जिस विच एक प्रधान उपवाक ते बाकी अधीन उपवाक होन, अधीन उपवाक होन, ते उन्हां नूं किहदे नाल जोड़िया जावे, अधीन योजकां नाल। उन्हां नूं किहदे नाल जोड़दे आ बेटे, अधीन योजकां नाल जोड़िया जावे। हुण तुहानूं क्लीयर होना चाहीदा कि समान योजक केड़े ने ते अधीन योजक केड़े ने, तां ही जोड़ सकोगे, बोलो बेटे।
हुण टेबल बनाओ समान योजक अधीन योजक। समान योजक लाके केड़ा वाक बनता बोलो, समान योजक लाके केड़ा वाक बनता बेटे? संयुक्त वाक। अधीन योजक लाके केड़ा वाक बनता? मिश्रत वाक। समान योजक की एग्जाम्पल दस सकते हो? कोई एग्जाम्पल दस सकते हो बेटे समान योजक दिया? अते पर सगो भावे चाहे नाले जाम ते लिमिटेड जिया ने जिहड़िया समान संयुक्त वाक बनाने लई यूज हुंदा। अधीन योजक के ताके क्योंकि यदि कोई लिमिट नहीं है इसलिए इस करके ताजो ताजो जेड़ा ते हो जेड़े ते हो जदों ते ता जो ते सो यदि कोई लिमिट नहीं है मीन जदों एक वाक दूजे का हिस्सा बने जदों एक वाक दूजे का हिस्सा बने ता केड़ा योजक लगता है? अधीन योजक। ते केड़ा वाक बनता है? केड़ा वाक बनता है? मिश्रत वाक। केड़ा योजक लग के? अधीन योजक लग के। ठीक है, समान योजक लग के केड़ा वाक बनता? संयुक्त वाक। ठीक है बच्चे, समान योजक लग के केड़ा वाक बनता? समान योजक लग के संयुक्त वाक। अधीन योजक लग के मिश्रत वाक। ते साधारण वाक दे विच बहुत घट शब्द बहुत घट वाक ने जिन्हां विच योजक लगता है। वह किहदे विच? जदों दो शब्दों नूं जोड़िया जाए ना कि दो वाकां नूं। ठीक है, हुण जे इहदा बनाउणा होवे संयुक्त वाक किवें बनावांगे? कोई दस सकदा? रोहित अते मोहित खेडदे ने, एक साधारण वाक है क्योंकि क्रिया इको ही है, खेडदे हन। हाँ जी, रोहित भी खेडदा है अते मोहित भी खेडदा है, भी शब्द ला के बनना। ठीक है, जिवें मोहन अते सोहन गुआंढी हन, मोहन सोहन दा गुआंढी है अते सोहन मोहन दा गुआंढी है। समझ आ गई? क्लियर है? हुण आपां वाक वटांदरा दे सेंटेंस लिखिए। जे इन्ना क्लियर हो गया सब नूं, दसो बच्चे सब नूं क्लियर है? फिर रिपीट कर देनी है, साधारण वाक केवल एक ही क्रिया, संयुक्त वाक एक तो वध क्रियावां, पर कदों? जदों समान योजक लगेगा। एक तो वध समान वाक, एक तो वध साधारण वाक। जे आपां योजक हटा दईए समान योजक, हरेक वाक अपने आप विच किहड़ा वाक? जे आपां योजक हटा दईए समान, हरेक वाक अपने आप विच साधारण वाक। ठीक है, ते मिश्रत वाक एक प्रधान उपवाक, बाकी अधीन एक प्रिंसीपल, दूजा सबॉर्डिनेट, उहनूं जोड़ेगा कौन? अधीन योजक। अधीन योजक जुड़ के केड़ा वाक बनता है? मिश्रत। रिवाइज करो, अधीन योजक लग के केड़ा वाक? समान योजक लग के केड़ा वाक? संयुक्त वाक। ठीक है, हुण वाक दे सेंटेंस लिखो, सेंटेंस लिखो वाक वटांदरा दे, उस समझ दे अनुसार करना योजक केड़ा लगना है। लिखो बेटे, फर्स्ट सेंटेंस, बच्चे रोटी खा के खेडन चले थे, संयुक्त वाक। यस बेटे बनाओ, संयुक्त वाक बनाना है, समान योजक लाके सूटेबल समान योजक। अगला सेंटेंस, गुरमीत अमीर होके भी कंजूस है, सेम संयुक्त वाक। अगला सेंटेंस, मेरे घर पुजन ते, एथे ते दा मतलब योजक नहीं, एथे ते दा मतलब योजक नहीं है, मीन मेरे घर पुजन सार ही पुजन ते हनेरा हो गया। एदा संयुक्त भी बनाओ, मिश्रत भी, दोनों बनाओ ते तुहानू क्लियर हो जाएगा। संयुक्त वाक भी बनाओ ते मिश्रत भी। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट, मी ना पहन करके
ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਣੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਗੁਰਮੀਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਸੂਟੇਬਲ ਯੋਜਕ ਲਗਾਓ ਅਨਵੇ ਅਨਵੇ ਅਵਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਤਿੰਨ ਯੋਜਕ ਲਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਪਰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੌਣ ਦਾ ਨੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੋਜਕ ਲੱਗਣਾ ਸੂਟੇਬਲ। ਗੁਰਮੀਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵੀ। ਸਵਰਿਤ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਣਾਓ ਦੋਨੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਓ ਸੂਟੇਬਲ ਯੋਜਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਟਰਾਈ। ਸਵਰੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਨੋ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਅਵਨੀ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਮ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਬਣਿਆ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਬਣਿਆ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁਰਕਰਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ
दूसरी बारी दोबारा ना भी लिखो, ये है संयुक्त वाक्य, ऐसा सुधारण बनाओ। नो नो नो, दो शब्द बनाने हैं। यस, ओह लालची अते बेईमान है। यस, जहां ये आ सकता है वो लालची होने के नाल नाल बेईमान है। ठीक है, लालची होने के नाल नाल बेईमान है, ये भी एक साधारण वाक। वो लालची अते बेईमान है, ये भी साधारण वाक, क्योंकि सब्जेक्ट एक है पर उदे दो ऑर्गन दसे है कि वो लालची भी है अते बेईमान। जां इहदा की बनेगा जे इदां नहीं बनांदा, जे कोई इहदा फिर आपां संयुक्त वाक बनाना है, एक होर योजक लग के बनदा, कोई दस सकदा? नो 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 बेटे, अब नहीं दसेगी अवनी। यस बेटे, मैम वो ना केवल लालची है पर बेईमान भी है। बेटे वो आना है, वो लालची ही नहीं, यस सगों सगों सूटेबल योजक, सगों बेईमान भी है। ये केड़ा बन गया? अगेन संयुक्त। ठीक है, इस तरह बनाने हैं। मैं हम तुहानू असाइनमेंट भेजांगी कि तुसी संयुक्त वाक बनाओगे, मिश्रित वाक बनाओगे ते वाच बदलोगे, जिहड़ा कल टॉपिक किया सी ओनू असाइनमेंट नू तुसी कंप्लीट करोगे। जे किसी नू कोई डाउट है वाक बारे तो प्लीज रेज योर हैंड, अपने डाउट क्लीयर कर सकते हो। बेटे संयुक्त वाक मिश्रित वाक दे लई बस आ टेबल लर्न कर लो, समान योजक लग के संयुक्त वाक, अधीन योजक लग के मिश्रित वाक। ठीक है बेटे, साधारण वाक विच केवल एक ही क्रिया, संयुक्त वाक विच एक तो वध क्रियावां, मिश्रित वाक विच एक प्रधान उपवाक ते एक अधीन उपवाक, ते उन्हां नूं जोड़ेगा कौन? अधीन योजक। किसी नूं कोई डाउट इहदे अकॉर्डिंग तुहानूं वाक वटांदरा पेपर च आएगा। वाकां नूं बदलना, पर ब्रैकेट विच देखना पेगा कि वाक नूं किहदे विच बदलना है, फिर उहदे अकॉर्डिंग तुसीं की लाना है? योजक लगाना है। ठीक है, डन। हुण आपां चैप्टर ते आ जाइए। हरियावल दे बीच शॉर्ट समरी कौन दसेगा? जिन्ना कल पढ़िया सी कि इस लैसन दे विच, इस पाठ दे विच कोई मैसेज दिता गया कि सानू आस पास केड़े बीज खिलारने चाहिए हैं? हरियावल दे, हरियावल दे बीज किवें खिलारे जा सकते हैं? रुखां दी कटाई वढ़ाई नू रोक के। यस बेटे, इस पाठ दे विच दस्या गया है कि रुखां नू वढ़ना नहीं चाहिए। एक फकीर है जिहड़ा शुरू विच ही लोकां नू जदों रुख वढ़दे देखदा तां की कहिंदा? जे तुसीं जिया करोगे तां उजड़ जाणा है, कि जिहड़े लोक पागलां वांग रुख वढ़ रहे ने इत्थे कुछ नहीं बचना, क्योंकि रुख ही साडा जीवन है। फिर किस परिवार दे नाल की वापरिया ते किन्ने जान बचाई? भिखू दे परिवार दे नाल इस पाठ विच रुखां नू वढ़न तों वरजिया, ते किहड़े बीज खिलारन की प्रेरणा दित्ती है? हरियावल दे बीज हर पासे खिलारने हन तां जो हर पासे वध तों वध रुख लग जान, हरियावल वाला वातावरण बने, वातावरण की शुद्धता विच वाधा होवे, दैन बीमारियां तो जीवन राहत मिले, जीवन नू राहत मिले। ठीक है, क्लियर है? ये चैप्टर इस करके है, भिखू दे परिवार नाल की वापरिया? तेज हनेरी चक्खड़ आ गया, भिखू दा परिवार इस चक्खड़ की लपेट विच आ गया, उन्हां दा ढारा उड गया, जिहड़ा बनिया होया सी ढारा मीन छत, कादी बनी हुई? कखां कानियां दी बनिया होया ढारा, छप्पड़ भी कहिंदे आनु, छप्पड़ नहीं, छप्पड़ विच तां पानी इकट्ठा करीदा जिथे मझां गावां नहांदियां ने, इत्थे छप्पर, छप्पर दा मतलब है कखां कानियां दी बनी हुई छत। कहिंदे उन्हां दा ढारा उड गया, सारा परिवार, हनेरी तूफान है जिहड़ा सारे परिवार नूं अपने नाल लपेटदा, किते दा किते लै गया। तुरश हवावां ऐसी तूफान चलिया, तुरश हवावां चलिया, मारू हवावां चलिया कि उन्होंने किते किते लै गईयां। उस समय किन्ने जान बचाई उन्हां दी? एक रुख ने, रुख दियां टाणियां विच अटक गए,
जिस रुख ने जान बचाई उस रुख ने उन्होंने की प्यास भी बचाई। क्यों? क्योंकि रुख की सी हरिया भरिया, उन्होंने पता लग गया कि रुख हरिया भरिया इतने नेड़े तेड़े की है पानी है, पानी भी लभ लिया। फिर उस रुख के उपर की लगे हुए सन फल, उन्होंने पेट की भुख भी मिट गई। हूँ अगे की स्टैप लिया उन्होंने, पत्नी ने सलाह की दी कि रुख ही बहुत सोहना जिन्हें साड़ी जान बचाई है, साडा तो इन छड़न दिल नहीं करता, आप इत्थे रहन लग जाइए। ये सलाह किनू जच गई? किनू जची? भिखू नू जच गई। चंगी लगी सलाह। तो जिहड़ा पुत्र सी आलम, भिखू के पुत्र का नाम की है? आलम का। तो जिवें रुख की बन गया, दोस्त बन गया, वो ओहदे नाल खेड़दा है, झूलदा है, उहनू मजा आउंदा है, जिंदगी बिता रहा है ओहदे नाल। हुण जदों पत्नी ने सलाह दित्ती भिखू नू, इह गल जच गई, हुण भिखू ने की किया? उसे रुख दियां टाहणियां तोड़ के की करना शुरू कर दिता? छत बनानी शुरू करती, ढारा बनाना शुरू कर दिता। पत्नी ने तो हौका भरिया, औखा सह लिया कि आ तुसी की कर रहे हो, जिस रुख ने साडी जान बचाई असी उहनू कट्टण ते आ गए। भिखू चुप, इत्थों तक आपां रीड किया। हुण अगे भिखू ने उस रुख नाल की किया? क्योंकि नित लोड़ां वधदियां गईआं ते उह लोड़ां दी पूर्ति लई उह की करदे रहे? रुख नू इस्तेमाल करदे गए, ते रुख की हो गया? रुंड मुंड हो गया, खाली हो गया। फिर उही फकीर जिहड़ा शुरू विच लोकां नू देख रहा पागलां वांग रुख वड़दे देख के, भिखू दे कोलों दी लंघिया। फिर भिखू नू सबक उहने सिखाया। उस फकीर ने कहा कि आले दुआले हर पासे हरियावल दे बीज पुंगर ने चाहिए ने। भिखू नू इस गल की समझ नहीं आई। फिर समझ किनू आई? आलम नू। आलम ने हर पासे जाके हरियावल दे बीज लभने शुरू कर दिते। मीन्स इहदा भाव की है कि जिहड़ी अजकल दी जनरेशन है, जे उन्होंने जीवन नू बचाना है तो वध तों वध रुख लगाए। ये लैसन सानू प्रेरणा ये दिंदा है कि वध तों वध रुख होणगे, संघने जंगल होणगे तां साडा जीवन बच सकदा है, कुदरती करोपियां तों वी बच सकदा है, बीमारियां तों वी बच सकदा है, और असी वातावरण की शुद्धता दे विच वाधा कर सकते हैं और चैन लै सकते हैं, जिंदगी बड़ी खूबसूरत बना सकते हैं। नैक्सट रीडिंग करिए आपां, ध्यान नाल सुनियो रीडिंग। जदों पत्नी नूं यह सोची आई कि रुख ने साडी जान बचाई है तो असी इत्थे ही रहना है, उन्होंने पत्नी ने अपने पति भिखू नूं सलाह दित्ती कि असी इत्थे ही रहना शुरू कर दईए। तां भिखू ने की किया बेटे? उन्हें तड़क सार उठिया, टाणियां तोड़ के ढारा छत्तन लग पिया। फिर ढारा जदों छत्तिया तां पत्नी नूं बोली, तू इस तरह कानू करना सी, इन्हां टाणियां ने तां साडी जान बचाई है। भिखू चुप सी। एक दिन भिखू नूं जापिया, सुन्ने ढारे विच बहन लई हुण ढारा छत लिया, मीन छत बना ली है, पर वह सुन्ना है, खाली है, बैठने लई कोई चीज नहीं है। फिर की किया? उन्हें टाणियां तोड़ के टाणे वड्डे, मंजा ते पीड़ा तैयार कर लिया। भिखू ने की तैयार किया? मंजा ते पीड़ा की तोड़ के? टाणे तोड़ के, टाणे वड़ के की तैयार किया बेटे? मंजा ते पीड़ा, पीड़ा में चौंकी बैठने लिए तैयार कर ली। पत्नी ने जिया करते देखा तो होका भरिया, होका मीन औखा सह लिया कि तो गल वधी जा रही है। रुक तो बेचारा जिसने साडी जान बचाई, जिहड़ा साडा सहारा बनिया, आसरा बनिया, उहदे नाल असी बेदर्दी दे नाल अपना स्वार्थ पूरा करन लई कट्टी जा रहे हां। ओका भर के आख्या, इह रुख आपां नूं किन्नी सोहणी छां दिंदा सी, किन्ने मिठे इहदे फल हुंदे सन। भिखू खिज गया, इस गल ते उहनूं की आ गया? गुस्सा आ गया। आपां रुखे मेला ना तां नहीं लाउणा? पत्नी नूं खिज के पैंदा, कहिंदा आपां रुख तों की लैणा, मेला तां नहीं लाउणा, अजे वी रुख कोल साडे लई बथेरी छां हैगी है। नैक्सट, बथेरी छां है, उन्हां दीआं लोड़ां नित वधदीआं गईआं। किहदीआं? भिखू ते उसे परिवार दीआं। जिहड़ा परिवार तूफान दी लपेट विच आ गया सी, तूफान दे विच लुटकदा जा रहा सी, ते इक रुख दे टाणे विच अटक के इन्हां दी जान बची सी। इक रुख ने उन्हां दी जान बचाई। फिर
उसे रुख ने उन्हां दी पानी दी प्यास भी बुझाई, उसे रुख ने उन्हां दी भुख भी मिटाई, उसे रुख ने उन्हां नूं मिठी ठंडी छां भी दित्ती। पर हुण अज भिखू दे परिवार दीआं लोड़ां वधीआं गईआं, भिखू ने परिवार दीआं लोड़ां नित दीआं लोड़ां दी पूर्ति दे लई रुख नूं बेदर्दी नाल कटना वढना शुरू कर दित्ता। रुख उन्हां दीआं लोड़ां पूरीआं करदा रिहा ते हौली हौली मुकदा रिहा, रुख खाली हो गया, रुंड मुंड हो गया। आखिरकार सहूलतां भरे उस घर दे विहड़े विच रुख दे नां दा इक टुंड जिहा तना खड़ा रह गया, टुंड जिहा रुंड मुंड जिहा तना रह गया इक। हुण उह तने तों वी आस रखी हुई है किन्ने, भिखू ने। भिखू ने दूर अंदेशी की गल कीती, कहिंदा तने नूं देख के की कहिंदा, दूर अंदेशी की सोचदा, दूर अंदेशी मीन दूर दी की सोचदा कि तना भी आने वाले टाइम विच आलम दे परिवार दे काम आएगा। ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੱਖੂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ? ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਲਕ ਨੂੰ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ, ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਆਲਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿੰਨੇ, ਭਿੱਖੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲਨ ਦੀ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ? ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਲੂਆ ਮੀਨਸ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ। ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਹੀ ਸੇਕ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਧਾਰੇ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਸੇ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸੇਕ, ਸੇਕ ਮੀਨਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ, ਗਰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮਾਹਟ। ਭਿੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ ਛੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਹਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੜਾ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜਿਹਾ, ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਮੀਨਸ ਨੰਗ ਤੜੰਗ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਹਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਗਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕੌਣ? ਭਿੱਖੂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਵੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟਦੇ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਕੌਣ ਕੱਟਦਾ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ? ਭਿੱਖੂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਕੀਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਸ਼ਰ ਮੀਨਸ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਲ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ? ਫਕੀਰ। ਫਕੀਰ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਛਿੰਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਛਿੰਨ ਮੀਨਸ ਪਲ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਵੀ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਵੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨੀ ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ? ਲੈਸਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਪੁੰਗਰਨ।
जे तुसी एक रुख नू कट वट लिया, कटने भी है चलो अपनी लोड़ां दी पूर्ति लई, पर उहदी थां ते होर रुख लगाने भी चाहीदे। फकीर ने अखां मीट लईआं इह कह के, कुछ चिर पिछों उहने अखां खोलियां, उदास सुर विच बोलिया, सुर मीन्स आवाज विच बोलिया, तां ही मैं इस घर उत्ते उजाड़े दा परछावां वेख रिहा सां। कहिंदे मैं भी देखा इस घर विच गर्म सेक आ रहा है, कोई रौनक नहीं है। रौनक कादी हुंदी है हरियावल दी? कहिंदा इत्थे तां मैनूं उजाड़े दा परछावां नजर आ रहा अगों भी। जदों रुख ना होण तां इस तरह ही हुंदा है, जदों आस पास रुख ना होण तां की हुंदा है, उजाड़ा ही लगदा है, हरियावल नहीं नजर आंदी। तां ये सुन के घर दे जी बेचैन हो गए, बे अगेता लैके बेचैन मीज उन्हों दा चैन ही ना रहा कि तां वाकई फकीर दी गल विच कोई तर्क है, कोई सच्चाई छुपी हुई है। किहदी गल विच? उन्हां दे मन विच हरियावल दे बीज उस फकीर ने खिलार दिते। मन विच पहला बीज खिलरणगे? केड़े बीज खिला रहे मन विच? किसने खिला रहे? ये सारे वन मार्क क्वेश्चन ने। वह बीज टब्बर दे, वह बीज टब्बर दे मन विच पुंगर पे सन। सारे टब्बर दे मन विच केड़े बीज पुंगर पे? फकीर दे जान पिछो बेवस ते रड़ी जी थां ते बैठे हुए सन। रड़ी मीन्स जिते कुछ भी नहीं है, सुन सान जी जगह, रड़ी रड़ा मैदान ते बैठे हुए सन। आलम रोन हका होके बोलिया, आलम नू गल समझ आ गई, भिखू दे पुत्तर नू। आलम रोन हका होके बोलिया, बापू तू रुख वड्ढन वाला क्यों बनिया है? उन्हू भी महसूस होया, दुख महसूस होया, अपने पिता नू क्वेश्चन करदा, बापू तू रुख वड्ढन वाला क्यों बनिया, तू रुख उगाउण वाला क्यों नहीं बनिया? बेटे कल दी क्लास च आपां वन मार्क क्वेश्चन करांगे, एक बारी चंगी तरह लैसन रीड करना है, वाक वटांदरा दे सेंटेंस अपनी नोटबुक ते करने हन। थैंक यू सो मच।